दिल दहला देने वाली घटना की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि कौशाम्बी जिले में भी एक सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां एक किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर युवक ने उसे अगवा कर लिया और जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के विरोध करने पर गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। किशोरी की खोजबीन करते परिजन युवक के रिश्तेदार के घर पहुंचे, वहां किशोरी को बंधक पाकर उनके होश उड़ गए। आरोप है कि मामला थाना पहुंचने पर पुलिस ने किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित दर दर भटकते रहे। इसके बाद भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। पिता ने मामले की शिकायत एसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। रही हमारे भाई रहा, हमारा लड़का रहे, हम रहे पानी रात के लगाए रहे। हमका कहा पता था मंतोष और भुल्लू दोनों रात के आए, मुँह दाप के उठा लेगे। रास्ते में पता नहीं कहा सुंघा दिन, लड़की को कोई पता ही नहीं आए। लग गए यहाँ से अपने मौसिया की वो बलात्कार करें। बलात्कार करे बाद जब हल्ला पपूच वो चार घंटा में भा तो डर के मारा हुआ लग जाके थाने में कई दिन हमारे लड़की का साहब। ओके बाद फिर साहब हम दौड़े लागे, दौड़ा दौड़ा हमारा भाई यार नहीं लिख रहे थाने में कही थी, कहते एक जन का लिखाओ एक जन का लिखाओ तो हम भेज दे। हम कहा नहीं साहब, जब दो जन बलात्कार के हम दो जन का लिखाओ साहब, हमारे लिखता ही नहीं रहे साहब। पापो चाचो भाई नहीं थे, पानी लगाने थे और हमारे मुँह दाब के दो जन मंतोष भुल्लू और फिर बाद में वहाँ ले गए थे सुंघा दे थे गली में। फिर बाद में फिर गलत काम किया और फिर बाद में उनके मौसिया हमको छोड़ के चले आए थे। गैंगरेप का मामला है, क्या कार्रवाई हुई है? एक मुकदमा सराय में लिखा गया है जिसमें सात संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। तो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई थी ये था कि लड़की उसके नजदीक के साथ गई थी और वहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ था। हमने सात संकलन और उसके बयान और एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।